राधे राधे ड्रीम इलेवन में मित्रों आप कहां पर गलती करते हैं और आपकी रैंक आते आते रुक जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं दोस्तों, आप हार हार कर बिल्कुल परेशान हो गए, कोई बात नहीं दोस्तों, आप बहुत ही दोस्तों अच्छी जगह पर आए दोस्तों। आज शाम दोस्तों महा मुकाबला होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो महा मुकाबला है पंजाब वर्सेस दोस्तों आरसीबी के बीच दोस्तों, पंजाब और बंगलोर के बीच महा मुकाबला है। तो इस मुकाबले में आप लोग भी दोस्तों ग्रैंड लीग में आ सकते हैं दोस्तों। हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बेहद ही ट्रिक दोस्तों, क्योंकि हमारी बताए हुए टीम के लोग ही दोस्तों कप्तान और कप्तान बन रहे दोस्तों। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो हम ले चलते हैं दोस्तों, जो मैच हुआ है कल दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, दोपहर में मैच हुआ है आप लोगों को दिखाई देते हैं दोस्तों। यहां पर जो मैच हुआ है उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से दिखाई देते हैं। देखिएगा दोस्तों राजस्थान वर्सेस एलकेएन के बीच जो मैच हुआ है, जहां कप्तान दोस्तों संजू सैमसन बनी है दोस्तों, ग्रैंड लीग में नहीं स्मॉल लीग में दोस्तों हमने भी संजू सैमसन को दोस्तों कप्तान बनाया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां स्मॉल लीग से हम दोस्तों 8 से 10 टीम से स्मॉल लीग से खेलते हैं, जहां पर दोस्तों हम संजू सैमसन को दोस्तों कहां क्या बना करके चले दोस्तों, यहां पर कप्तान बनाकर चले। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों हमारी टीम दोस्तों आगे बढ़ रही दोस्तों। ये देखिएगा संजू सैमसन को कप्तान बनाया है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों राहुल को भी देखिएगा दोस्तों, राहुल केएल राहुल की बात करते तो केएल राहुल को भी दोस्तों अपनी टीम पर जगह दी और केएल राहुल को भी कप्तान बनाया है। और दोस्तों हमने स्मॉल लीग से लाखों रुपए विन किए हैं दोस्तों, तो आप क्यों चूक जाते हैं आखिर। तो इस संपूर्ण जानकारी को हम आज देने वाले दोस्तों आरसीबी वर्सेस पंजाब के इस महा मुकाबले में आखिर किसको दोस्तों कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने बैट्समैन लेकर के चलने, कितने ऑलराउंडर लेकर चलने और कितने बॉलर लेकर चलने, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आप लोगों को बस एक काम करना होगा दोस्तों, आप लोगों को श्रद्धा भाव से एक बार प्रेम से बोलना होगा भूत भवन शंकर भगवान की जय, और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों जिस भी देवता को आप चाहते हो, जिस भी ईश्वर को चाहते हो, उस ईश्वर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हम दोस्तों आप लोगों को ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको हम टीम देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट दोस्तों अपने अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख दीजिएगा दोस्तों, शंकर भगवान दोस्तों लिख दीजिए, जो जिस देवता को चाहता है वही नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देगा। और शंकर भगवान भी दोस्तों बहुत ही दयालु है, जिस पर इनकी कृपा हो गई दोस्तों वो दोस्तों खाकपति दोस्तों करोड़पति बन जाता है दोस्तों। और चलते देरी न करते हुए हम ज्योतिष आंकड़े का लेते हैं सारा, और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कितने विकेट कीपर लेकर के चला है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है, कितने बैट्समैन लेकर चलना है और कितने बॉलर लेकर के चलना आज सूर्य योग बता रहा है दोस्तों। तो आओ चलते हैं देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं विकेट कीपर के रूप में दोस्तों 3 या 5 का आंकड़ा आपके लिए बेहद ही अशुभ है दोस्तों, 4 या 5 का आंकड़ा भी दोस्तों आपके लिए बेहद ही अशुभ है। तो दोस्तों जो आंकड़ा है आपके लिए दोस्तों शुभ आंकड़ा वो 1 या 2 का दोस्तों आंकड़ा विकेट कीपर के लिए आपका बहुत ही शुभ है। सूर्य और चंद्रमा आपके साक्षीकरण होने वाले हैं दोस्तों, सोमवार का दिन है, शंकर भगवान आपके साथ होने वाले हैं दोस्तों, तारे आपके चमकते रहेंगे और आप ग्रीन जोन पर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम विकेट कीपर की बात तो बता चुके, अब बात आती है दोस्तों यहां पर बैट्समैन की चर्चा कर लेते हैं, आखिर बैट्समैन में आपको कितने लेकर के चलना। तो बैट्समैन के लिए दोस्तों आपको 4-4 का आंकड़ा बेहद ही अशुभ होने वाला है दोस्तों, यहां पर दोस्तों 4 या 5 का आंकड़ा भी दोस्तों आपके लिए अशुभ होने वाला है दोस्तों, यहां पर 3-3 का आंकड़ा भी आपके लिए अशुभ होने वाला है दोस्तों, यहां पर दोस्तों 2 या 3 का आंकड़ा भी आपके लिए अशुभ होने वाला है दोस्तों। आप करें तो क्या करें दोस्तों, जो 5 का आंकड़ा है आपके लिए बेहद ही शुभ होने वाला है दोस्तों। 5 का आंकड़ा बनाएंगे तो सूर्य चंद्रमा आपके साक्षीकरण होने वाले हैं और तारे आपके चमकते रहेंगे और तीर जा मारेंगे वह सीधा बैठेगी दोस्तों। तो यहां पर एक गलती आपको नहीं करना, विकेट कीपर भी दोस्तों बैट्समैन होता है तो विकेट कीपर के साथ 5 होने चाहिए। अगर दोस्तों आप एक विकेट कीपर लेकर के जाते हैं तो दोस्तों 4 बैट्समैन ले लीजिए, अगर 2 विकेट कीपर लेकर के जाते हैं दोस्तों आप 3 बैट्समैन ले लीजिए दोस्तों। दोनों का आंकड़ा दोस्तों क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, दोनों का आंकड़ा दोस्तों 5 होना चाहिए, आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आने वाली है दोस्तों। और भी हम आपको चर्चा करते हैं, यहां पर दोस्तों हम ऑलराउंडर की चर्चा कर लेते हैं। ऑलराउंडर
ऑलराउंडर के रूप में जो आंकड़ा है आपका दोस्तों, यहाँ पर दो ऑलराउंडर का आंकड़ा दोस्तों आपका 3 या 4 का दोस्तों आपका बहुत ही शुभ योग दे रहा है, क्योंकि दोस्तों राहु केतु आपके सामने है और दोस्तों ये सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन है, राहु केतु आपके सामने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अर्थात दोस्तों आप ऑलराउंडर में 3 या 4 को लेकर के जा सकते हैं। अब दोस्तों आती है दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पे, तो बॉलिंग सेक्शन पर भी दोस्तों 3 या 4 का ही आंकड़ा आपके लिए शुभ योग बना रहा है, पर दोस्तों आप एक गलती करना करना, अगर 3 दोस्तों बॉलर लेकर के ऑलराउंडर लेकर के चलना तो 3 दोस्तों यहां पर बॉलर लेकर चलना, 2 ऑलराउंडर लेकर के चलना तो 4 बॉलर लेकर चलना, और 4 ऑलराउंडर लेकर के चलना तो 2 बॉलर लेकर चलना, अर्थात आंकड़ा दोस्तों 6 का ही होना चाहिए जो आपका शुभ योग हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर चलते दोस्तों, पूरी तरह से आपको जानकारी दिया है, अब हम चलते दोस्तों एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय बजरंग बली बाबा या जो इष्ट देव को आप चाहते हो, शंकर भगवान को चाहते हो तो शंकर भगवान लिख दीजिए, जिस भी इष्ट देव को आप चाहते हैं उनका दोस्तों नाम जरूर लिख दीजिए, आपकी मनोकामना 100% पूरी होने वाली है दोस्तों, 100% पूरी होने वाली है। और चलते दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड जाते हैं, मैच कहां पर होने वाला ये देखते हैं, गुरु आंकड़े देखते हैं, तो चलते हैं गुरु आंकड़े में देख लेते हैं मैच के आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों हमारे। तो यहाँ पर देखते हैं रिसेंट 5 मुकाबले की बात करते हैं दोस्तों, एक-एक मुकाबला दोस्तों दोनों ही टीम खेल चुकी है दोस्तों, एक-एक मुकाबला दोनों ही टीम खेल चुकी है, जहां दोस्तों आरसीबी ने रिसेंट 5 मुकाबले में 2 मुकाबले जीते हैं, वह पंजाब ने भी 2 मुकाबले जीते हैं, पर दोस्तों आईपीएल का पहला मुकाबला दोस्तों ये दोस्तों हार चुकी है सीएसके से आरसीबी, वही पंजाब ने डीसी को पछाड़ा है, तो दोनों में फर्क इतना है दोस्तों, एक हारी हुई टीम है और एक जीती हुई टीम है। इस आईपीएल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ग्राउंड के आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों, ये मैच एमएस चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु पर होने वाला है दोस्तों, बंगलुरु पर होने वाला है, पिच बैटिंग है, बेहतरीन पेसर्स को मदद मिलेगी, मौसम में धूप खिले रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है दोस्तों हाल ही के रिकॉर्ड इन फर्स्ट लास्ट 5 टी20 मैच के देख लेते हैं, 190 रन है औसत स्कोर दोस्तों, 10 विकेट गिरे हैं पेसर को 7 और वहीं स्पिनर को मात्र 3 विकेट मिले हैं, इस लिहाज से देखते हैं दोस्तों ये पिच पेसर्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है दोस्तों। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते तो 9 और 2 मैच खेले गए, जहां आरसीबी ने 4 जीते और दोस्तों पंजाब ने दोस्तों 5 मुकाबले जीते, तो इस तरह से दोस्तों दोनों ही टीमें बहुत ही इक्वल दिखाई देती नजर आती है दोस्तों। अब दोस्तों टॉपिक पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर दोस्तों यहां पर लास्ट 5 टी20 डोमेस्टिक मैच के आधार लेकर के बात करते हैं, तो विराट कोहली दोस्तों आरसीबी पे टॉप पर है 363 पॉइंट के साथ, कैमरून ग्रीन दोस्तों दूसरे स्थान पर 362 अंक के साथ, वहीं अनुज रावत दोस्तों तीसरे स्थान पर है दोस्तों, तीसरे स्थान पर अनुज रावत है दोस्तों, यहां पर अनुज रावत तीसरे स्थान पर है। वहीं दोस्तों यहां पर सैम करन की बात करें तो दोस्तों यहां पर 287 के साथ दोस्तों टॉप पर है यहां पर दोस्तों सैम करन, वहीं दोस्तों आर चहर दोस्तों 285 के साथ दूसरे स्थान पर, वही अर्शदीप सिंह है दोस्तों यहां पर 268 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब ड्रीम टीम की बात कर लेते तो दोस्तों चलते हैं ड्रीम टीम की बात करते हैं, तो यहां ड्रीम टीम में अनुज रावत दोस्तों 100% डीटी पर आए दोस्तों, 100% डीटी पर आए, कैमरून ग्रीन है दोस्तों ये भी दोस्तों देखिएगा 80% डीटी पर आए, और पहले ही मैच में दोस्तों वो शानदार दोस्तों खिलाड़ी है कि पहले मैच पर डीटी पर आने की बात क्या करें, वाइस कैप्टन बन गए दोस्तों कैमरून ग्रीन, प्लेसेस की बात करें 60% डीटी पर आए दोस्तों, सैम करन दोस्तों कप्तान बने हैं पहले मैच में दोस्तों, आप लोग देख रहे हो पहले मैच में दोस्तों सैम करन कप्तान बने हैं, तो दोस्तों यहां पर एल लिविंग स्टोन 80% डीटी पर आए दोस्तों, के रबाडा केगिसो रबाडा 80% डीटी पर आए। अब देखते हैं किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए 5 डोमेस्टिक मैच में, तो दोस्तों विराट कोहली 241 के साथ टॉप पर है, अनुज रावत दोस्तों 194 के साथ दूसरे स्थान पर है, वही कैमरून ग्रीन दोस्तों 193 रन के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है, वही दोस्तों सैम करन 135 के साथ टॉप पर है, जॉनी बेरेस्टो 133 के साथ दूसरे स्थान पर, वही लियाम लिविंग स्टोन दोस्तों 115 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। हम विकेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, आज उसे 5 विकेट लेकर के टॉप पर है दोस्तों, यहाँ पर सिराज दोस्तों यहाँ पर 4 विकेट लेकर के दोस्तों दूसरे स्थान पर, वही के शर्मा 3 विकेट लेकर के तीसरे स्थान पर विराजमान है। आरसीबी की दोस्तों यही कमी है दोस्तों विकेट, दोस्तों यहां पर बॉलिंग सेक्शन का कमजोर होना आरसीबी की मुख्य दोस्तों कमजोर कड़ी है। यहां पर दोस्तों चलते अर्शदीप सिंह टॉप के साथ है 8 विकेट लेकर के, कागासो रबाडा भी 8 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, आर चहर है दोस्तों 6 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी जानकारी कर ली है, आज चलते हैं दोस्तों यहां पर
यहाँ पर चलते बैटिंग आधार पर विराट कोहली टॉप पर दोस्तों, फाइव डुप्लेक्सी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पर, आर पत्तीदार थर्ड राउंड पर, यहाँ शिखर धवन टॉप पर जाते हैं, बेरस्टो दोस्तों सेकंड और थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड पर, यहाँ सैम करन दोस्तों फोर्थ राउंड पर आते हैं। और चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ एक एक खिलाड़ी की अगर बात करते हैं, चलते हैं विकेट कीपर से दोस्तों, जितेश शर्मा देखिएगा दोस्तों एक मैच खेल चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर 100% डीटी पाया, 48 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों पंजाब के दोस्तों विकेट कीपर है दोस्तों, 100% डीटी एक मैच खेलते हैं। दिनेश कार्तिक की बात कर लेते हैं तो ये भी दोस्तों डीटी पर आए, तो दोनों विकेट कीपर अच्छे हैं, औसत पॉइंट दोस्तों 55 का है, तो ये भी डीटी पर आए। पी सिंह की बात करते थे तो पी सिंह को तो नहीं, ए रावत की बात कर लेते तो ए रावत को देखिए, ये भी 100% डीटी पर आए, खेले हुए मैच है, औसत पॉइंट बहुत ही अच्छा है 72 का दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा तीनों दोस्तों विकेट कीपर हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। बैटिंग सेक्शन पर जाते हैं दोस्तों, बैटिंग सेक्शन पर जाते हैं तो एस धवन को देख लेते हैं, एस धवन की बात कर लेते तो देखिए ये डीटी पर नहीं आ पाए दोस्तों, पहले मैच है मात्र दोस्तों औसत पॉइंट 32 है और डीटी पर नहीं आए दोस्तों। यहां पर देखते विराट कोहली की बात कर लेते तो विराट कोहली भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए, जो मुख्य हथियार थे डीटी पर नहीं आए, पर तो जैसा मार्क के ना चला के दो विराट कोहली दोस्तों अच्छे खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है दोस्तों, नहीं आए। फाइव डुप्लेसी दोस्तों आए हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा एक मैच औसत पॉइंट दोस्तों 55 का है और डीटी पर आए हैं दोस्तों, आरसीबी के दोस्तों नेतृत्व करता आरसीबी के दोस्तों कप्तान है ये दोस्तों फाइव डुप्लेसी, ये भी डीटी पर नहीं आए। जॉनी बेरस्टो भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए। इसके बाद दोस्तों करते हैं यहाँ पर दोस्तों आर पट्टीदार की बात करते हैं, ये डीटी पर नहीं आया, आर पट्टीदार भी डीटी पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों और चलते हैं दोस्तों, और कोई खिलाड़ी खेला नहीं, ऑलराउंडर सेक्शन पर जाते हैं, यहां मैक्सवेल को देख लेते हैं दोस्तों, मैक्सवेल को देख लेते हैं, ये भी डीटी पर नहीं आए दोस्तों और मात्र औसत पॉइंट 10 है इनका। यहां पर सैम करन डीटी पर आए और लाजवाब तरीके से दोस्तों 85 पॉइंट के साथ टॉप पर करके दोस्तों कप्तान भी बने हैं दोस्तों, यह सैम करन और दोस्तों डीटी पर आए हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब इनका एवरेज भी। एल लिविंगस्टोन दोस्तों ये भी देखिए डीटी पर आए और 60 है औसत पॉइंट इनका दोस्तों, एल लिविंगस्टोन भी डीटी पर आए। कैमरून ग्रीन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी 100% डीटी पर आए और दोस्तों कप्तान भी बने हैं, औसत पॉइंट 81 का दोस्तों, लाजवाब खिलाड़ी है कैमरून ग्रीन दोस्तों, कैमरून गेम भी लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों। यहां पर भी और भी आगे बात चर्चा करते हैं दोस्तों, और कोई खिलाड़ी एस सिंह है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ये भी डीटी पर नहीं आए दोस्तों, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, शशांक सिंह है इसका नाम। अब बॉलिंग सेक्शन पर अगर जाते हैं तो अर्शदीप सिंह को देखिएगा, ये भी दोस्तों डीटी पर आए, 100% डीटी पर आए, औसत पॉइंट दोस्तों 56 का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दो विकेट अर्शदीप सिंह को मिले हैं दोस्तों, अर्शदीप सिंह को दो सिंह। के रबाडा को देख लेते हैं दोस्तों, के रबाडा भी डीटी पर नहीं आए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं औसत पॉइंट 29 का है। वही मोहम्मद सिराज को देख लेते हैं, ये भी डीटी पर नहीं, औसत पॉइंट मात्र 4 का, जो पहले से मिल जाते वही रन, एक भी विकेट नहीं मिला था दोस्तों। हर्षल पटेल ने दोस्तों तहलका मचाया था, दो विकेट लेकर के दोस्तों कमर तोड़ दी थी दोस्तों, इनके ऊपर दोस्तों जुर्माना भी लग गया, आप लोग देखे होंगे। 100% डीटी पर है, औसत पॉइंट दोस्तों 56 का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर और आगे चढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर दोस्तों आर चहर को देख लेते हैं दोस्तों, राहुल चहर दोस्तों ये भी डीटी पर नहीं आए दोस्तों, 37 का औसत पॉइंट है। ए जेसो के देख लेते हैं, ये भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए दोस्तों, औसत पॉइंट मात्र 2 है दोस्तों। ए जैसे हुआ के शर्मा को देख लेते हैं दोस्तों, के शर्मा भी डीटी पर नहीं आए, औसत पॉइंट मात्र 25 का है। और दोस्तों एच बरार को देख लेते हैं दोस्तों, एच बरार ये भी डीटी पर नहीं है, औसत पॉइंट 45 का, डीटी पर नहीं आ पा रहा है दोस्तों। एम डगर की बात कर लेते हैं, एम डगर भी डीटी पर नहीं पाए, जो लास्ट के जितने भी दोस्तों यहां पर देश के बॉलर है वो सभी डीटी पर नहीं आए दोस्तों, दोनों ही टीम के। और चलते हैं दोस्तों संपूर्ण जानकारी के बाद दोस्तों, हम लोग बनाते हैं ड्रीम टीम, तो दो प्रकार से आपको टीम देने वाले, एक होगी हमारी सेफ टीम, एक होगी हमारी रिस्की टीम। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहां पर ये जितेश शर्मा और दोस्तों ए रावत को लेकर के जाते हैं दोस्तों, यहां पर जितेश शर्मा ए रावत को लेकर के जाते हैं, यहां देते हैं दोस्तों शिखर धवन को लेते हैं और दोस्तों विराट कोहली के लेते हैं, फाइव डुप्लेसिस को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं और यहां से किसको लेना है हमें, तो यहां पर ग्लेन मैक्सवेल और सैम करन दोस्तों, एल लिविंगस्टोन और कैमरून ग्रीन को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यहां दोस्तों अर्शदीप सिंह को ले लेते हैं, आरसीबी किससे दोस्तों, यहां पर हम किसको लेते हैं, आरसीबी के दोस्तों मोहम्मद सिराज को लेकर के टीम को सेव कर देते हैं। आप बताती है दोस्तों कप्तान कप्तान की, तो और चलते हैं दोस्तों, हम लोग कप्तान कप्तान बनाते हैं, तो सैम करन को दोस्तों, एस करन को कप्तान और कैमरून गिन को वाइस कप्तान बनाकर के टीम को सेव कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारी एक टीम बिल्कुल बनकर के तैयार हो जाती है, जो बेहद हमारी सेफ्टी है उसको हम दिखाते भी है दोस्तों। देखिए 6-5 के रेशियो पर हमने टीम बनाई है, देखिएगा दो दो विकेट कीपर हम लिया है और तीन बैटर लिया, विराट कोहली
शिखर धवन और फाइव डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, एरलिंग हॉलैंड, सैम करन और कैमरून बूम दोस्तों ऑलराउंडर लिया है और मात्र दो बॉलरों को लेकर बनाए। आप लोगों को अगर ये टीम अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में गुड लिख देना, अर्थात दोस्तों आपको अच्छी न लगी तो बैड लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर और चलते हैं, एक बार रिस्क लेते हैं दिनेश कार्तिक को लेकर के दोस्तों, रिस्क लेते हैं दिनेश कार्तिक को लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर धवन को दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और दोस्तों विराट कोहली और फाइव डुप्लेसिस में एक को ड्रॉप करते हैं, धवन को ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों चलते हैं, हम करते हैं जॉनी बेयरस्टो को लेकर के जाते हैं। जॉनी बेयरस्टो के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पंजाब के दोस्तों यहाँ जैन मैक्सवेल, सैम करन को ले लेते हैं। यहाँ पर एल लिविंगस्टोन, कैमरून गिनीन है दोस्तों, यहाँ पर कैमरून गिनी को ले लेते हैं और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम देखिएगा दोस्तों, यहाँ अर्शदीप सिंह को लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर हर्षल पटेल को, दो तो पंजाब के ले चुके हैं और यहाँ तो आरसीबी की तरफ से हमें किसको लेना है देख लेते हैं दोस्तों। आरसीबी के सभी बॉलरों की वजह से दोस्तों टीम हारती है तो के रबाडा या एम सिराज और दोस्तों यहाँ पर के रबाडा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कप्तान और कप्तान बनाने की, तो आओ चलते हैं हम लोग बनाते हैं बेस्ट कप्तान और कप्तान। तो हमें कप्तान और कप्तान किसको बनाना है और लोग आओ हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बार दोस्तों रिस्क लेते हैं, तो रिस्क किसमें लेना है दोस्तों, हम ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों कप्तान बनाते हैं और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल को हमने कप्तान बनाया। तो दोस्तों हमें दोस्तों वाइस कैप्टन किसको बनाना है दोस्तों, ये बात हमको नहीं समझ में आ रही। तो दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों हम जा रहे हैं दोस्तों अर्शदीप सिंह के पास, तो इन्हें हम वाइस कैप्टन बना करके टीम को सेव कर देते हैं। इस टीम को भी हम दिखाते हैं, देखिए आरसीबी के 5 खिलाड़ी हैं और दोस्तों यहां पर दोस्तों पंजाब के 6 खिलाड़ियों को लेकर हमने टीम बनाई है। यहां पर हमने बॉलर से 4 लिए, ऑलराउंडर से 3 लिए, बैटिंग से 3 लिए और दोस्तों एक लिया है दोस्तों हम विकेट कीपर से। तो दोस्तों आप लोगों को ये टीम अच्छी लगी या सेफ टीम, ये दोस्तों रिस्की टीम है और पहले टीम जो हमने बनाया वो सेफ टीम है। कौन टीम आपको अच्छी लगी हो, जो टीम आपको अच्छी लगी हो तो एक टीम अच्छी लगी हो तो एक के सामने गुड लिख देना और दो टीम अच्छी लगी हो तो दो के सामने गुड लिख देना और जो टीम बैड लगी हो उसके सामने बैड लिख देना दोस्तों, आपकी महान दया होगी। तो दोस्तों आप लोगों को दो टीम हमने बनाकर दिया है दोस्तों, आप लोगों को बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को ये दोस्तों इस प्रकार से टीम बनाना, इस प्रकार से दोस्तों जो हम प्रेडिक्शन देते हैं आप लोगों को किस प्रकार लगता है, अच्छा लगता है खराब लगता है आप लोग बताएंगे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों हमारी बातें बताई हुई कितनी अच्छी लगी कितनी खराब लगी। और एक गुड न्यूज है दोस्तों आपके लिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल, आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां पर टास होने के बाद 10 मिनट बाद आपको टीम प्रोवाइड होती है। 3 प्रकार से टीम होती है, एक सेफ टीम, एक रिस्की टीम, एक होती है फाइनल टीम। और दोस्तों हम लाइव तरीके से 1 घंटे पहले आते हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।